हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग बिल्कुल एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक को हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन तो रिस्पायरेशन होता क्या है उसको हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से वही बात बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में जो भी न्यूट्रिशन का वीडियो अपलोड किया था क्या आपने उसे स्टडी किया है और स्टडी अगर नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जरूर दे दूंगा। आप जाकर वहाँ देख सकते हैं या तो वीडियो के कॉर्नर पे आई कार्ड में मैं उसे दे दूंगा। आप ज़रूर वाच कीजिए अधिक से अधिक वीडियो को वाच कीजिए और उसे नोट्स तैयार कीजिए और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और यह टॉपिक आपके चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज यू नो स्टूडेंट्स लाइफ प्रोसेसेस आर द इसेंशियल प्रोसेस विच आर

घबराइए मत आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं इस रिस्पायरेशन से हमें ढेर सारी एनर्जी मिलती है तो आप सोच रहे होंगे तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है तो न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहना चाहता हूं बच्चों कि न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है हमें रिस्पायरेशन से ही एनर्जी प्राप्त होती है वी गेट लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन बट वी डोंट गेट एनी टाइप ऑफ एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिशन बिकॉज इन न्यूट्रिशन वी ओनली कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटांस कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटांस इंटू सिंपलर फॉर्म बट in case of respiration that simpler substance is again broken down to release a lot of energy to release tremendous amount of energy and at the cost of energy we can do any work that is running walking studying anything whatever we can do energy is very very essential so respiration is the important life process through which we get energy to bachcho jo bhi hum log khate hain jo bhi hum log intake karte hain aur us food material का digestion होता है और digestion के बाद जो हमें simple nutrients प्राप्त होते हैं, that nutrients are again broken down into सिंपल सब्स्टांसेस एंड इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट सब्स्टांस विल ब्रोकन डाउन एंड वी गेट ए लॉट ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ए टी पी एंड ए टी पी स्टैंड फॉर एडीनोशाइन ट्राई फॉस्फेट एडिनोशाइन ट्राई फॉस्फेट तीन फॉस्फेट इसमें होते हैं और ए बना होता है ए डी पी प्लस आई पी याद रखोगे एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज मेड अप ऑफ एडीनो डाईफॉस्फेट प्लस वन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट तो आइए हम लोग बात करते हैं रिस्पारेशन की तो रिस्पायरेशन बच्चों होता क्या है मैंने इसका डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल वे में लिख रखा है और इसको हम लोग समझेंगे रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रिस्पायरेशन एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें क्या होता है फूड का ऑक्सीडेशन हो, होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आप केमिस्ट्री में स्टडी करोगे कोई भी सब्सटेंस के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होता है यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन ये क्या बना रहा है ये सी ओ टू बना रहा है ठीक है बच्चों तो इस प्रोसेस में फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होता है और जब ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो आप कह सकते हो कि रिस्पायरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आप बिल्कुल इसको नहीं भी लिख सकते हो इन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप डायरेक्ट लिख सकते हो रिस्पायरेशन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बट बच्चों आपको याद रखना होगा कि हमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ़ एनर्जी मिलती है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से मिलती है यदि ऑक्सीजन हमारे इस फूड को नहीं तोड़ती है यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर फूड कंप्लीट नहीं टूटता है अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड कंप्लीटली ब्रोकन डाउन नहीं होता है ब्रोकन डाउन नहीं होगा तो हमें कंप्लीट एनर्जी नहीं मिलती है इसका मतलब कि रिस्पायरेशन प्रोसेस में जो हमारा रिस्पायरेटरी मटेरियल है उसका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होना चाहिए और जब कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा तो हमें कंप्लीट एनर्जी प्राप्त होगी तो रिस्पायरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे सेल के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल हैं दैट इज ग्लूकोज और वह ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटकर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रदान करता है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो बच्चों आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर रिस्पायरेशन में हमें एनर्जी मिलती है तो फिर ब्रीदिंग क्या है आप लोअर क्लास से इसे पढ़ते आ रहे होंगे कि ब्रीदिंग हम लोग ब्रिथ करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ इन द नेचर आप इसे स्टडी करते आ रहे हो कि रिस्पायरेशन हम लोग करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पायर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ तो दोनों टर्म में डिफरेंस क्या है वाट आर द बेसिक डिफरेंस इन बोथ टर्म ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन तो बच्चों ब्रीदिंग रिस्पायरेशन का ही एक इंपॉर्टेंट फेज है breathing is the important part of respiration and in case of breathing we just exchange of gases from our surroundings we inhale the oxygen and we exhale the carbon dioxide outside the body to yaad breathing is a simple process in which we inhale the oxygen from outer medium to inside the body and we exhale carbon dioxide from lungs to outside the body to bachcho breathing mein sirf gaso ka exchange hota hai गैसों का आदान प्रदान होता है यानी हमारे body cells के अंदर oxygen बाहर से अंदर जाते हैं और अंदर से सी टू बाहर की ओर निकलते हैं यानी हम लोग रिस्पायरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं तो आप कह सकते हो ब्रीदिंग इज सिंपली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीदिंग इज द सिंपली एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन ऑक्सीजन गोज इनसाइड द बॉडी that process is known as inspiration and when carbon dioxide releases outside the body that process is known as expiration to kahi koi confusion ki baat nahi hai आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो Breathing और रिस्पायरेशन में कोई tension आप मत लीजिए Breathing, रिस्पायरेशन का ही एक part है क्योंकि हम लोग ये part करते रहते हैं और यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है बच्चों स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा मैंने लिखा है रिस्पायरेशन इज़ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्लेस तो फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो बच्चों आपको पता है कि न्यूट्रिशन में जब हम लोगों ने फूड को डाइजेस्ट किया था तो वह फूड ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड सर्कुलेशन की सहायता से विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर डिपोजिटेड इनसाइड द टिश्यू इनसाइड द सेल्स तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेल के अंदर डिपोजिट होते हैं और जब सेल के अंदर डिपोजिट होते हैं तो यही न्यूट्रिएंट्स फर्दर रिस्पायरेशन में क्या होते हैं टूटते हैं तो रिस्पायरेशन का मतलब है बच्चों सेलुलर रिस्पायरेशन यानी आप सिंपली इसे कह सकते हो कि ये जो डिफिनीशन है वो सेल के लिए है क्योंकि सेल के अंदर हमारे में ग्लूकोज स्टोर्ड है और वह ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर टूटेगा यानी सेल के अंदर ओवरऑल प्रोसेस सेल के अंदर होता है तो सेल के अंदर जब ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तो वह बहुत ज़्यादा एनर्जी एटीपी के रूप में हमें देता है और वह एनर्जी हमारे लिए इतना सफिशिएंट है कि मैं आपके सामने बोल भी रहा हूँ मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ या जो भी फंक्शन हम करते हैं वो उसी एटीपी के कारण करते हैं यानी इसी उसी एटीपी के कारण हम अपने बॉडी में हर एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो बच्चों रिस्पायरेसन इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी या रिस्पायरेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और बच्चों ये जो रिस्पायरेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एक केमिकल सब्सटेंस टूटता है और टूटकर वह एनर्जी देता है इसका मतलब कि रिस्पायरेशन एक खास तरह का प्रोसेस है जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे देखिए मैंने लिख रखा है ग्लूकोज आप जानते होंगे ग्लूकोज का फार्मूला है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ऑक्सीजन ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू वाटर एस टू ओ एंड एनर्जी अब जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी के रूप में प्रोडक्ट के रूप में बनता है और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन हैं जो रिएक्टेंट का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी ये प्रोडक्ट्स का काम करते हैं बच्चों आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन आप वहाँ स्टडी करोगे कि वाट आर रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स होता क्या है तो मैं यहाँ पे बता दूँ इस क्लास में बच्चों कि रिएक्टेंट्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट्स इन द केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स इन द केमिकल रिएक्शन एंड दैट केमिकल सब्स्टांस आर नॉन एज रिएक्टेंट्स एंड वाटर प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स आर दोज केमिकल सब्स्टांस विच आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन तो जब केमिकल रिएक्शन के बाद कोई नया चीज़ बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं और जो केमिकल सब्स्टांस आपस में रिएक्ट करते हैं उसे हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं तो बच्चों इस प्रोसेस में ग्लूकोज चूंकि हमारा इम्पोर्टेंट रिस्पायरेटरी मटेरियल है और यह रिस्पायरेटरी सब्सटेंस यह रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट रहा है डिकम्पोज हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस तो बच्चों रिस्पायरेशन इज़ ए कैटाबोलिक प्रोसेस आप पढ़ोगे कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह के मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं एक होता है एनाबॉलिक दूसरा होता है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस आर दोज प्रोसेस इन विच कंस्ट्रक्टिव मटेरियल कंस्ट्रक्टिव सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड यानी एनाबॉलिक प्रोसेस में किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है बट इन केस ऑफ कैटाबॉलिक प्रोसेस किसी न किसी केमिकल सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होता है कोई ना कोई सर्टेन केमिकल सब्सटेंस टूटते हैं ठीक है तो बच्चों रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस बट आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कहीं कहीं आप देखोगे एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी लिखा मिल जाएगा तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है बट रिस्पायरेशन कैसा प्रोसेस है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है तो एम्फीबोलिक का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये रिस्पायरेशन एनाबॉलिक भी है कैटाबॉलिक भी है अगर इसको समझना है तो बस हम लोग यही समझेंगे कि इसमें ग्लूकोज टूटता भी है और साथ साथ हमें क्या देता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी भी देता है तो इस प्रोसेस में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया इस प्रोसेस में ग्लूकोज टूटता है तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस भी हो गया तो रिस्पायरेशन इज़ ए कैटाबॉलिक प्रोसेस और इसे हम एम्फीबॉलिक प्रोसेस भी कहते हैं तो रिस्पायरेशन में इस टर्म में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए रिस्पायरेशन एक ऐसा टर्म है एक ऐसा इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम सबको एनर्जी uh, मिलती है और न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी नहीं मिलती है न्यूट्रिशन में हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं बट दैट सिंपल सब्सटेंस इज अगेन ब्रोकन डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मे बी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और तब जाकर हमें एनर्जी मिलती है एंड द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इज नोन एज रिस्पन ये पहला वीडियो है रिस्पायरेशन का और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो बच्चों जो भी आपको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपने इस वीडियो को समझा नहीं है और वैसे बच्चे जो इस वीडियो को समझ गए हैं इस क्लास को समझ गए हैं और मेरे पीछे के जितने भी वीडियो हैं आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए लाइक करने से हमारा भी जो मन है हमारा भी जो मनोबल है मोटिवेशन काफ़ी हाई होता है तो काम करने में मज़ा आता है इसलिए आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बच्चों बेल आइकन में ऑल का बटन जरूर दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं तो बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में रिस्पायरेशन के और भी कई वीडियोस आएंगे तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे ठीक है बच्चों तो चलते हैं हम लोग और मिलते हैं अगले वीडियो में ओके बाय